31 जुलाई को नू में हुई हिंसा के बाद एक हिंदू महापंचायत का आयोजन किया गया है। यह हिंदू महापंचायत पलवल और नू जिला के बॉर्डर पर स्थित पोंडरी गांव में बुलाई गई है और इस महापंचायत में आसपास के जिले और राज्यों से बड़ी संख्या में लोग आए। आप देख सकते हैं कि ये नू के आसपास के जितने जिले हैं, पलवल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के, दिल्ली के, इसके अलावा राजस्थान के कई इलाकों से यहाँ पर अलग अलग सरदारी के सरपंच और गाँव के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अपने अपने विचार साझा कर रहे हैं। इस महापंचायत के आयोजन का मुख्य मकसद 28 अगस्त को जो एक नई रैली बुलाने को लेकर के, एक यहां पर यात्रा निकालने को लेकर के इस महापंचायत का आयोजन किया गया है। प्लान किया जा रहा है कि 28 अगस्त को एक महापंचायत के जरिए महायात्रा बुलाई जाए और क्या इस यात्रा को बुलाना चाहिए या नहीं, ये धार्मिक यात्रा होगी, इसी को लेकर के यहां पर इस वक्त ये महापंचायत का आयोजन किया जा सकता है। आप देखिए बड़ी संख्या में दूर दूर से लोग आए हुए हैं, हजारों की संख्या है और इसके अलावा 500 लोगों की परमिशन पुलिस ने दी थी। 2 बजे दोपहर तक इस महापंचायत के आयोजन की परमिशन प्रशासन की तरफ से दी गई है और इसीलिए कहीं कोई हिंसा ना हो इस चीज का ख्याल रखते हुए बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस और हरियाणा पुलिस के जवानों को तैनात किया गया और साथ ही ये हिदायत दी गई है कि इस महापंचायत में किसी भी तरीके के जो भड़काने वाले बयान हैं, शब्द हैं, उनका बिल्कुल भी इस्तेमाल ना किया जाए। फिलहाल पोंडरी गाँव में हिंदू महापंचायत जिसका बुलाया गया है ताकि 28 अगस्त को ये लोग धार्मिक यात्रा निकाले या नहीं और किस तरीके से निकाले, इन सभी चीजों पर विचार व्यक्त किया जा रहा है। कैमरामैन हरीश के साथ पुनीत शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, नू। सभी भाई प्रशासन की मदद भी करें, प्रशासन हमारे सेवा सुरक्षा सहयोग के लिए जो सोलन की भी सभा में आ रहे हैं, इस पंचायत में आ रहे हैं, बड़े बड़े ठाकों के चौधरी, बड़े बड़े, तो हमारी एक व्यवस्था है जो भली भांति पंचायत अच्छी तरह से चले, बहाली हो, हमारे उनके हौसले बुलंद हो, वे सहमे हुए, सदमे हुए हैं, एक सदमे और डर के कारण बड़े भयभीत हैं, आज उनका मनोबल को कायम करते हुए हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है जो मांगे अपनी सरकार के आगे रखने प्रस्तुत करनी चाह रहे हैं। उन पर सरकार समाज के चार नियम दिए हैं, इसलिए चार